उधर जी यूपी उत्तराखंड से खास बातचीत में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि चंदौली और वाराणसी की स्थिति उन्होंने खुद देखी है और इन दो जगहों पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्षति का आकलन कराया जा रहा है और जो भी क्षति होगी उसकी भरपाई भी की जाएगी। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में 10 लोगों की मौत आकाशीय बिजली से हुई है, उनके परिजनों को भी सरकार 4 लाख का मुआवजा देगी। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किसानों के ऊपर बड़ी मार पड़ी है फसलों को लेकर। मंत्री जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि काफी नुकसान हुआ किसानों का, सरकार कैसे आकलन कर रही है और कितना मुआवजा? देखिए, काफी नुकसान नहीं हुआ है। अभी मैं वाराणसी और चंदौली के अभी जमालपुर और रामनगर से होकर के आ रहा हूँ, खेतों को देखते आ रहा हूँ। आपसे भी आग्रह होगा कि जाकर के देखें, किसी बात को कहने के पहले इसका आपको खुद जाकर के एक बार उसकी तस्वीर देखनी चाहिए। लगभग 35 किलोमीटर घूम करके मैं आ रहा हूँ, 40 किलोमीटर जो है। हाँ, कुछ जगहों पर क्षति हुई है, जिनकी क्षति हुई है उसके आकलन करने के निर्देश जिला मजिस्ट्रेट को, जितने भी जिलाधिकारी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले ही उनको निर्देश दे दिए हैं। और जैसे जैसे बारिश हुई है और उस हिसाब से अभी आकलन उसका होगा और होने के बाद जो क्षतिपूर्ति होगी उसकी भरपाई किया जाएगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर जिन किसानों ने, लगभग 22 लाख किसानों का बीमा उसके भीतर हुआ है जहाँ तक मुझे स्मरण है, तो उन किसानों का भी इसके भीतर आकलन किया जाएगा जिन जनपदों के भीतर बरसात ज़्यादा हुई है या जहाँ पर ओले गिरे हैं। ललितपुर, बुलंदशहर, प्रतापगढ़ और अमेठी, इन 4 जिलों के भीतर ज़्यादा वर्षा की सूचना के वजह से फसलों की क्षति हुई है, ऐसा जिलाधिकारियों ने जानकारी भेजी है। तो वहाँ पर वो आकलन करा रहे हैं, जो आकलन आएगा उसके अनुसार से उनको। मौसम विज्ञान विभाग का ये कहना है कि 3 दिन और मौसम इसी तरह से रहेगा, तो उसके लिए जो नुकसान है क्या उसकी तैयारी की जा रही है, उसका आकलन किया जा रहा है? वह तो जब कैसा बारिश होगा ये पहले से कैसे भविष्यवाणी किया जा सकता है कि कहाँ पर कितनी बारिश होगी, ये तो जब आएगा तो उस समय बताया जा सके। किसानों